हेलो नमस्ते, जय श्री शंभू। मेरा नाम है नीलेश पंडित। ठीक है, आप लोगों का स्वागत है आज लाइव वीडियो में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे शॉर्ट्स पसंद आए होंगे और जो वीडियो मैंने पहले बनाया था उसको पसंद किया होगा आपने। आप लोग देख सकते हो कि मेरा फिजिक जो है एक UFC फाइटर की तरह हो चुका है। ठीक है, चेस्ट फैट बहुत 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 कम हो चुके हैं, थोड़े थोड़े लोअर में हल्के 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 बचे हैं। ठीक है, जो कि हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये देखो मात्र 8% फैट बचे हैं। ठीक है, ऊपर में आपको दिख रहे होंगे फिगर सारे लैब्स के। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कि बल्क कैसे करने का है और अपना टारगेट क्या है अब का। मैं अभी 70 kg का हूँ। ठीक है, मेरा रिप्लेस का टाइम ओवर हो चुका है, 150 दिन ऑलरेडी पार हो चुके हैं। आज है 154th डे। हो सकता है ये वीडियो एक दो दिन लेट से आए। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री शंभु लिख दें। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बल्किंग के लिए है वो है न्यूट्रिशन। ठीक है, बहुत लोग न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं देते, मगर न्यूट्रिशन का सही होना ज़रूरी है। अगर आपको बॉडी को बल्क करना है तो आपका सही मात्रा में कार्ब्स, आपका सही मात्रा में न्यूट्रिशन, माइक्रो मैक्रो दोनों, ठीक है, आपका प्रोटीन, ग्लूटामाइन, आपके एमिनो चेन एसिड, ये होने ज़रूरी है। जब आप खाना अपने बॉडी में पुट करते हो ना, डालते हो, ठीक है, तो सिर्फ आपके मसल ही नहीं, आपके बोन इंटेंसिटी भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, आपके ऑर्गेन भी थोड़े बड़े होते हैं और वो तभी होगा जब आपके फूड में कार्ब्स की मात्रा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ठीक है, एक सेकेंड, कि आपके फूड में आपके वेट, आपके कार्ब्स की मात्रा सही होनी चाहिए। यानी आपको अगर अपना वजन बढ़ाना है तो प्रोटीन के साथ, माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ आपको अपने कार्ब्स की मात्रा को बढ़ानी होगी। ठीक है, आप जो भी फूड लेते हो उसमें पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, नाइट्रेट, ये सब होते हैं। जब आप ऑक्सीजन लेते हो तो नाइट्रोजन आपके बॉडी में जाता है जो कि एसेंशियल होता है। बहुत सारे लोग एयर को प्रेफर नहीं करता है, मगर सुबह सुबह रनिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि आपके सॉयल में से जो नाइट्रोजन निकलता है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर आपके बॉडी में जाता है, जो आपके मसल को ग्रो करने में एज ऑक्सीजन जाकर पंप करने में हेल्प करता है। ठीक है, वाटर जो आप लेते हो, क्यों बुलाता है वाटर लेना चाहिए, कि H2O जो है उस वो आपके मसल के इंक्रीज को, आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। ठीक है, हमारे फूड का अब रूटीन बदल चुका है। ठीक है, कार्डियो मैंने बहुत कम कर दिया है। ठीक है, अब मैं अपने वेट लिफ्टिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि अपने मसल मास को बढ़ाया जा सके। अब मैं 75 kg तक जाऊँगा। ठीक है, और पोटेशियम कैल्शियम ये आपके बॉडी के बोन को इंक्रीज करने में आपको हेल्प करता है। जो भी आप फूड लेते हो तो आपके ऑर्गन के साइज़ को आपके बॉडी के साथ बड़ा करता है। कमेंट में बताना कि फिजिक कैसा है। ठीक है, अभी मैं अपना रिसेंट बॉडी फिजिक ऑनलाइन वीडियो पे बता देता हूँ। ठीक है, मेरे बॉडी का फिजिक है 5'11" जो कि मेरी हाइट है। ठीक है, मेरा चेस्ट 42 है, मेरा वेस्ट लगभग 29+ में है। ठीक है, 29+ में है, ये देखो। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला था वैसे करके दिखा दिए। हल्के हल्के अपने फैट हैं जो कि घटाने होंगे, लेकिन मेरे फैट के परसेंटेज जो है वो 8% है अभी। ठीक है, ये देखो, देखा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और भाई, आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा ना, तभी मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता हूँ 75 हार्ट चैलेंज का, 365 days तक, 1 साल तक। ठीक है, आप लोग भी देखो कि 1 साल तक 75 हार्ट चैलेंज करने के बाद बॉडी में रिजल्ट क्या आता है और फ़ायदा क्या होता है। 150 दिन में मैंने अपने चेस्ट फैट को, अपने साइड के जो जितने भी फैट थे, लव हैंडल्स को, सबको खत्म कर दिया। ठीक है, और मेरे मसल का लॉस भी नहीं हुआ, मेरे मसल के लॉस नहीं हुए। ठीक है, अगर अपना कम्युनिटी पोस्ट देखोगे तो मैंने 5 साल पुराना अपना फ़ोटो डाला है जिस पर मेरा फिजिक जो है अच्छा खासा था। ठीक है, उस पोस्ट में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं पहले से बॉडी बनाता था। ठीक है, मगर वीडियो कुछ समय के लिए मैंने बनाना छोड़ दिया क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा था कॉलेज की। ठीक है, तो
अभी मैंने अपना जॉब को भी थोड़ा रेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि बॉडी को रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। मार्च क्लोजिंग है, ठीक है, वापस से अपने काम पे जाने का है। अभी तक भाई अपने 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं, 1000 सब्सक्राइबर का होना ज़रूरी है, ठीक है। बॉडी हमेशा किचन में बनता है मेरे भाई, आपके क्या कहते हैं, सिर्फ पार्क में, जिम में या वर्कआउट प्लेस पे, छत पे, वहाँ सिर्फ नहीं बनता। जो फूड आप डालते हो वो आपको रिजल्ट देता है। आपको मैं अपना आर्म्स का साइज़ बता दूँ, मेरा आर्म्स जो है 14.5 इंच का है, ठीक है, जो है आपके सामने है, ठीक है। और मैं अभी बल्क करूँगा, ठीक है, अपने आर्म्स का, शोल्डर का साइज़ और बड़ा करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं 75 kg के कैटेगरी में रहना चाहता हूँ। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसको ज़रूरत हो उसको शेयर करो, ठीक है। और 365 days of 75 hard चैलेंज करना है, पूरे रूल के साथ, सब कुछ के साथ, ठीक है। 1 साल तक बिना किसी मिठाई, रसगुल्ले, बिना कोल्ड ड्रिंक के, बिना चॉकलेट के रहना, आप सब जानते हो बड़ा मुश्किल है। तो जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल तो मिलना ज़रूरी है ना, उसका फल मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है। अपने फैट को इतना ही मेंटेन करे रखेंगे या इससे भी थोड़ा कम करना का कोशिश करेंगे, ताकि सारे वेंट्रिकल्स जो हैं, सारे जितने भी हैं वो आए, ठीक है। और अपना सपना UFC तक जाने का है मेरे भाई, ठीक है, इसमें भी समय लगेगा मुझे पता है, मगर वो तभी होगा जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी UFC तक जा पाएंगे, ठीक है। नए नए ऑप्शंस हैं नए नए यंगस्टर्स के लिए, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, क्योंकि अपने पास इतने पैसे ना भाई कि ट्रेनिंग ले सकें, ठीक है। पैसे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अच्छे ठीक ठाक है, मगर आगे जाने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। वो तभी होगा जब आप लोग वीडियो को पूरा देखें, नॉलेज को पूरा जाने, ठीक है, इन्जॉय करें वीडियो को, और जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा वीडियो कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। अभी तक किसी ने भी 365 डेज तक जाने का अनाउंसमेंट नहीं किया था, ना ही किसी ने ये प्रण लिया, ठीक है। एक व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले शुरू किया था 75 hard चैलेंज, आप सब उनका नाम जानते हैं, ठीक है, पता नहीं मेरे को लेना चाहिए कि नहीं, लेकिन आप लोग जानते हैं, उन्होंने 150 डेज तक किया, ठीक है। और मैं उसको बढ़ाकर, ऑलरेडी वो रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं हम, मगर मेरा टारगेट 365 डेज तक जाने का है, 1 साल तक, 1 ईयर तक 75 hard चैलेंज करना है। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में जय श्री सिंधु लिख दो, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो पूछो, ठीक है। आप देखो चेस्ट फैट अपने ख़त्म हो गए, ठीक है, थोड़े थोड़े हल्के हल्के बचे हुए, जो कि हम इंक्लाइन पुशअप सपाटा करके उसको बराबर कर देंगे, ठीक है। अगर आप जिम जाते हो तो जिम में फ्लाई मारो, ठीक है, डंबल से लेट कर बेंच पर, ठीक है। एक आपको मशीनरी आता है जो इस तरह से काम करता है, वो मारो, ठीक है, आपके चेस्ट फैट ख़त्म हो गए, बॉडी के ओवरऑल फैट ख़त्म हो गए। अगर आप कार्डियो ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा आपका हार्ट पंप होगा, जितना ज़्यादा आपका हार्ट बढ़ेगा, लो एंड डाउन होगा, उतना ज़्यादा आपके काप्स वर्कआउट करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपके वहाँ सोनमकर। कहने का मतलब ये कि काप्स वर्कआउट करेंगे कि आपके बॉडी के जो एक्स्ट्रा काप्स हैं वो करेंगे। जो लोग को फैट लॉस करना है उन लोग को अपना काप्स का इंटेंसिटी घटाना होगा, कार्डियो के एक्सरसाइजेस बढ़ाने होंगे, ठीक है। और आपको मसल अगर मेंटेन रखना है फिर भी, तो आपको हल्के हल्के पंप करते रहेंगे विथ प्रोटीन पाउडर डाइट के साथ। डाइट का सबसे बड़ा रोल है, ठीक है, जिसको अपना मसल मास इंक्रीज करना है, अपने आप को बल्क करना है, अपने बॉडी का साइज को बढ़ाना है, उसको अपने थोड़े से काप्स की संख्या बढ़ानी होगी, परसेंटेज बढ़ाना होगा। अपने काप्स का परसेंटेज बढ़ाना होगा, न्यूट्रिशन का परसेंटेज बढ़ाना होगा, विटामिन ABCD ये सभी ज़रूरत है, ठीक है। विटामिन डी जो सनलाइट से मिलता है वो लेना ज़रूरी है, ठीक है। आपको अपना एमिनो चेन एसिड पे, ग्लूटामाइन पे, ठीक है, इन सब पे अपना फोकस करना पड़ेगा लेने का, ठीक है। और बहुत सारे लोग फल नहीं खाते, फल खाओ, उसमें फ्रुक्टोज है, ठीक है। आपके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा होनी चाहिए ताकि आप पूरे दिन तक रहें। अब तो गर्मी आ रहा है, आप ग्लूकोज खरीद कर पी भी सकते हो, ठीक है, आपके बॉडी के लिए वो बहुत कामगार है, ठीक है। आपकी बॉडी गर्मी के दिनों में एनर्जेटिक होनी चाहिए, जैसे जैसे आपका अप्रैल आता जाएगा गर्मी बढ़ते जाएगी, अपने स्किन का ध्यान रखें, ठीक है। और अब जो है, अब अप्रैल से मैं भी आइस बाथ लूँगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में आइस ले सकता है, ठंड में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठंड में पानी ठंडा होता है। आप टैंकी खोलो, सुबह में नहा लो, आपके सोरनेस ख़त्म हो जाएंगे। गर्मी में आपको आइस बाथ लेने पड़ेंगे, मगर वो भी उतना रिक्वायर्ड नहीं है,
क्योंकि एशियन बॉडी उस तरह से वर्क नहीं करता है, ठीक है। जरूरी है मगर उतना ज़्यादा यूज बाइंड पर नहीं है मेरे भाई, क्लियर बोल देता हूँ, ठीक है। बाय बाय, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट में जय शिव शंभू लिखते हैं। कोई चीज़ पसंद ना आया हो तो वो भी बता दो, शेयर कर दो। जय शिव शंभू, बाय बाय। और हम बल्क कर रहे हैं या फिर से रिपीट कर दें, 365 डेज 1 ईयर तक 75 आवर चैलेंज को ले जा रहे हैं। आप लोग भी देखो कि एक साल में क्या रिजल्ट आता है अगर ये बंदा 1 ईयर तक करता है। तो ये देखो 150 डेज का रिजल्ट, ठीक है, दिख रहा है। चलो बाय बाय, देखना है।